I was a sculptor, but then again, no. Or a girl who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. सालवी, मैंने सुना है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ही स्पेशल टैलेंट है। तुम मल्टी लैंग्वेज में तुम गाना गाती हो, तुम कितनी लैंग्वेज में तुम गाना गा लेती हो? अभी तक मैं 4 लैंग्वेज में गाना गा सकती हूँ, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच और इटालियन। अभी क्विक जरा दो दो लाइन जरा जल्दी से सुनाऊंगी चारों लैंग्वेजेस के। Amazing, ये कौन सा लैंग्वेज था? ये फ्रेंच में। ये फ्रेंच था, ओके। और अब? इटालियन था। ओह अमेजिंग अमेजिंग। और अब नेक्स्ट। आई हर्ड देयर वाज अ सीक्रेट कोड दैट डेविड प्लेड एंड इट प्लीज्ड द लॉर्ड बट यू डोंट रियली केयर फॉर म्यूजिक डू यू। इट गोज लाइक दिस द फोर्थ द फिफ्थ The minor falls and the major lifts. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. इंग्लिश था ये। अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। भाभी जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, इतनी टैलेंटेड आपकी बेटी है, ये इंटरेस्ट इसमें कैसे आया और आपने कब पहचाना कि इसके अंदर ये सिंगिंग का टैलेंट है? Amazing.
विनीश जी भाई, आपकी डॉटर तो बिल्कुल अमेजिंग है और इसका टैलेंट तो बिल्कुल ही स्पेशल टैलेंट है। चार चार लैंग्वेज में गाना गाना आसान बात नहीं। इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये काफी है, इसका वॉइस स्टेबिलिटी काफी हाई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आगे तुम्हारे क्या प्लान है, तुम क्या करना चाहती हो? मैं बड़े सिंगर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो भाभी एक बात बताइए, जब मैं छोटी थी और रोती थी तो किस लैंग्वेज में रोती थी? अच्छा, आपके अंदर भी कुछ सिंगिंग का टैलेंट था क्या, संगीत का? ओके ओके। विनीश जी ने बताया था कि वो बहुत अच्छे गीतकार हैं और अपनी बेटी को विनीश जी ट्रेन कर रहे हैं, ये बहुत ही खास बात है। इंग्लिश का गाने का पसंद था इसको, और ये बात में हमें पता चला कि इसको इंग्लिश की तरफ इंटरनेशनल सिंगिंग में जाना है। तो फिर हमने इसको इंग्लिश का एक साल तो इसने अपने से काफ़ी गाना गाया, फिर हमने सोचा इसको ट्रेनिंग में डाल देते हैं, फिर हम इसको बिना ट्रेनिंग कराए। यानी एक तरह से पहले आपने खुद सीखा और उसके बाद अपनी बेटी को ट्रेन करना शुरू किया। एक्चुअली हमने किसी भी गाना को जब ये रिकॉर्ड करने जाती है उससे पहले मैं गाना को लगभग मैं भी तो मोर देन 20-30 टाइम्स गाना। ओह क्या बात है। जिस घर में पिता खुद ट्रेनर बन जाए तो बच्चा तो फिर बहुत आगे जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कोई ऐसा गाना जो पापा को पसंद हो और तुम्हारा भी फेवरेट हो? वो एक फ्रेंच गाना है, एक छोटा सा हमें सुनाओ। Amazing, amazing, simply amazing. बेटा स्कूल में तो तुम काफ़ी फेमस होगी फिर? मैंने स्टेज पर भी परफॉर्म किया है। एग्जैक्टली, वो तो स्कूल छोड़ेगा नहीं, हर फंक्शन में शायद तुम्हें खड़ा किया जाता होगा स्टेज पर। मैं क्वायर ग्रुप में भी हो? अरे वाह। अच्छा, अभी पापा बता रहे थे कि तुम किस कंपटीशन में तुम स्कूल में फर्स्ट आई थी? वो ओलंपियाड का। ओलंपियाड था, ओके। तो तुम पढ़ने में भी बहुत ही ब्रिलियंट हो और साथ में सिंगिंग में भी। तुमने शायद अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। हाँ। तुम अपने मोबाइल पर यूट्यूब चैनल खोल करके दिखाओ और अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताओ, ताकि मैं लोगों को बोल सकूं कि सानवी के यूट्यूब चैनल को एक्सेस करें और इसकी टैलेंट को और भी देखें, इसके बारे में और जानें और इस बच्चे को सपोर्ट करें। भाभी आप क्या चाहती हैं, सानवी को आगे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती हूँ? ओह वाह क्या बात है, क्या बात है।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और भगवान जो है इसकी इच्छाओं को पूरा करेगा। हम सबकी शुभकामनाएं सानवी के साथ हैं।